किस बात के कहते हैं आप लोकल सादिक और अमीन है, ये इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। इंटरनेशनल सादिक अमीन हमें पता है, ये इंटरनेशनल सादिक अमीन नहीं है, ये इंटरनेशनल जो है वो भगोड़े भी है और इंटरनेशनल जो है वो मनी लॉन्डरर भी है, ये सबको पता है। दूसरा मसला ये है, देखे देखे सुन ले, तीन साल कोई लिखने को तैयार नहीं है आपने, तारड़ साहब ने तो पता नहीं लिखना है कि नहीं लिखना, सिर्फ असली लिख देने सानू की इतराज है, हम पहली क्लियर हैं, टेलीफोन उठाएं एनसीए के 100 सलमान शहबाज को पाकिस्तान बुलाए, उसको क्यों नहीं बुलाते वो, भाई? अच्छा जी तारण साहब आप इसका जवाब मुझे जल्दी से दे दें, लेकिन आप लिखते ना, आप भी लिखते ना, आपके मैं लिख रहा हूँ लेटर यार, हुकूमत पाकिस्तान, ये मैं सुलेमान शहबाज साहब को, ये मैं सुलेमान शहबाज साहब को, मैं लाइव शो पे, मैं सुलेमान शहबाज साहब को ऑन एयर मैं वॉइस नोट भेज रहा हूँ कि सुलेमान शहबाज साहब आपने पाकिस्तान नहीं आना, यहाँ पे नैब न्याजी गठजोड़ है, ये मालम जब्बा चीफ सेक्रेटरी से इंक्वायरियां कराते हैं, बीआरटी में स्टे लेते हैं, फॉरेन फंडिंग में स्टे के पीछे छुपते हैं, ऑपोजिशन के लोगों को जेल भेजते हैं, आप प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, आप कतन पाकिस्तान ना आइएगा, 22 माह हमजा शहबाज साहब ने जेल काटी है, एक साल से ऊपर शहबाज शरीफ जेल गए हैं, हम सुलेमान शहबाज को जेल नहीं जाने देंगे, आप कतर वापस ना आइएगा, आप फैसला अपने वक्त पे कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। ये मैंने उनको वॉइस नोट आपके ऑडियो मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप पे, तारा साहब तुझे तो गाली मुकाई कर दिया, लिखना ना आपने ना हुकूमत ने, बताना ना आपने ना हुकूमत ने, इन्होंने देखे ना इस तोते में, क्यों लिखे हैं हमारे हमारे हक में फैसला आ गया है, सलमान शहबाज हमारे हक में फैसला आ गया है, क्योंकि उन्हें पता है सारी करप्शन उसने, हमारे हक में फैसला आया, हमारे पास कागजात मौजूद है, इनके पास क्या है, कागजात ही रखिएगा, इनके पास कुछ नहीं है, लिखे ये फोटोकॉपियां छापते नहीं तो हम जीत गए।